महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के पूर्व दिवस पर मंगलवार को सहजनवा तहसील सभागार में जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, संपूर्ण समाधान दिवस पर मौजूद अनेक विभागों के अधिकारियों को तहसील क्षेत्र के हर कार्यालयों में एक बार प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक के प्रयोग को प्रतिबंधित करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत एक बार में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। खरीदारी के समय झोले का प्रयोग, खाने आदि के सामानों में भी कागज के थैले, पानी के लिए कांच की या स्टाइल के बर्तन, नदियों, तालाब, झीलों व समुद्र में किसी तरह के प्लास्टिक व कचरे न डाला जाए। उत्सव मांगलिक कार्यक्रम में प्लास्टिक से बने सामानों का बहिष्कार करें। शपथ के दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में कम से कम 10 लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जानकारी दे तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करे। इस दौरान जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने निर्देशित किया कि किसी भी विभाग के सरकारी कार्यालय में एक दिन प्रयोग होने वाले प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिम्मेदार अन्य लोगों को भी प्लास्टिक प्रयोग के बारे में जागरूक कर जिससे फैलने वाले कैंसर बीमारी पर लगाम लगाया जा सके। इस दौरान CDO अनुज सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उप जिलाधिकारी सन्नीत कौर ब्रोका, CMO SK त्रिपाठी, PD अनिल सिंह, CO दिनेश कुमार सिंह, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर, DSO आनंद कुमार सिंह, BSA BN सिंह, तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा, BDO डॉक्टर चंद्रशेखर कुशवाहा, सतीश सिंह, CDPO संजय कुमार, इंस्पेक्टर थाना गीडा दिलीप कुमार सिंह, सहजनवा थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्र, हेमंत पांडे सहित अनेक विभागों के अधिकारी ने स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए शपथ ली। अनुमति से
शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, मैं प्रारंभ करूंगा और आप उसको दोहराएंगे। शपथ पत्र। मैं भारत का सच्चा एवं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते प्लास्टिक प्रदूषण से भारत भूमि को मुक्त करने के लिए यह शपथ लेता हूं कि खरीदारी करते समय अपने स्वयं के कपड़े का थैला या बैग का उपयोग करूंगा। वह खरीदे गए सामान के लिए दुकानदार से या किसी अन्य से प्लास्टिक के बैग या थैली की मांग नहीं करूंगा। मैं खाने भोजन के लिए पुनः उपयोग में लाई जा सकने वाली क्राकरी का ही उपयोग करूंगा एवं सिंगल उपयोग के प्लास्टिक का बहिष्कार करूंगा। पानी के लिए भी मैं प्लास्टिक की बोतल के स्थान पर पुनः उपयोग हो सकने वाली कांच या स्टील आदि की बोतल का ही उपयोग करूंगा। अपने देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों जैसे नदियों तालाबों झीलों और समुद्रों आदि में किसी को भी प्लास्टिक सहित अन्य कचरे आदि को नहीं फेंकूंगा और न ही किसी अन्य को फेंकने दूंगा। अपने समाज अपने घर विद्यालय कार्यस्थल पर किसी भी उत्सव के दौरान प्लास्टिक के बर्तनों जैसे प्लेटों चम्मच गिलास आदि का बहिष्कार करूंगा। वह ऐसे उत्सवों आदि में पुनः उपयोग की जा सकने वाली क्राकरी के उपयोग को बढ़ावा दूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मैं सप्ताह में एक दिन कम से कम 10 लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण की जानकारी दूंगा। वह उनको भी सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार एवं कपड़े के थैले के उपयोग को बढ़ावा देने पर प्रेरित करूंगा। जय हिंद। सभी समस्त
जिला प्रशासन गोरखपुर का अधिकारी और यहाँ आए हुए मीडिया साथियों और साथियों, जैसे आप जानते हैं कल महात्मा गांधी जी का हम लोग 150 साल के बाद 150 साल भी जन्मदिन मना रहे हैं। तो पूरे भारत में हम लोग एक तरफ से एक संकल्प एक अभियान के तौर से राज्य सरकार और भारत सरकार ने एक अच्छा संदेश देने के लिए, यानी जो महात्मा गांधी जी का सपना है स्वच्छ भारत स्वास्थ्य भारत, उसी के बढ़ावा देने के लिए 1 अक्टूबर से तमाम अभियान चालू किए। उसमें बहुत महत्वपूर्ण अभियान है ये सफाई का, और खासतौर पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका प्रतिबंधित आज से प्रारंभ हो जाने है, कल से है, कल तो वैसे छुट्टी है, आज से मार्केट जा सकते हैं, तो कैसे भी हो गया है। और सिंगल यूज प्लास्टिक आप कह सकते हैं यार इतने साल से है तो अभी इसके क्या जरूरत है। आप देख सकते हैं गोरखपुर एक अच्छा से एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर से आपके सामने पेश है। 1-1.5 साल पहले यहाँ जो जापानी इंसेफ्लाइटिस यही से कितने बच्चे मरते हैं आप जानते हैं, हजारों संख्या में बढ़ते हैं। यहाँ तो अभी रिसर्च में दो ही चीज निकल के आया है, दो चीज के वजह हम लोग एक तरफ पूरा काबू पाए हैं ये जो इसी बहुत खतरनाक बीमारी से। एक तो खुले में शौच मुक्त कराने के वजह, यानी तकरीबन 6 लाख शौचालय हम लोग यहाँ पूरे गोरखपुर ग्रामीण और शहरी इलाका में बनवा चुके हैं, उसी की वजह जो बाहर के खुले में जाते हैं उसी का प्रतिशत अभी तो फिलहाल 1-2% चल रहा है। ग्रामीण में 90% को ऊपर इसको प्रयोग में लाए लोग, और शहरी में तो पहले से प्रयोग में है, कुछ हैमलेट्स अभी बाकी है उसको भी हम योजना करा रहे हैं। तकरीबन लगभग सभी लोग इसको इस्तेमाल कराना प्रारंभ कर दिए, थोड़ा फ्लोटिंग पॉपुलेशन की वजह इधर उधर है उसको भी हम समस्या करें। पहले नंबर वन जो कारण है जो हम लोग ये जो रोग है खासतौर पर जो जापानी इंसेफ्लाइटिस मलेरिया फिलेरिया जो भी बीमारी है वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं, किसी की वजह होता है खासतौर पर मच्छर की वजह होता है, प्रदूषण की वजह होता है। दूसरा चीज़ है प्लास्टिक बैन होने की वजह, प्लास्टिक का जो वेक्टर बॉर्न डिजीज का सीधी सीधी संबंध है। आपके कह सकते हैं कि क्या संबंध है, अब देखिए जो प्लास्टिक है सिंगल यूज प्लास्टिक है साइकिल के बाद एक बार के बाद आप फेंक देंगे वो कहीं ना कहीं तो कचरा के रूप से पड़ा रहता है। अब जानते हैं हजारों साल लगता है सड़ने में, सड़ता नहीं है, बाकी चीज़ तो आराम से सड़ जाता है, जो कपड़ा है जो भी चीज़ है, एवं लोहा भी आपको तो करीबन तो 10-15 साल में तो पूरा आपका हो जाता है राख होकर खत्म हो जाता है। बट ये चीज़ ऐसे है ये जो पॉलीथीन है इसका कंपोनेंट ऐसे है इसी का जो उसका मतलब सड़ने की कोई चीज़ अभी है नहीं, इसको रीयूज करने के लिए तरीका है। अब सिंगल यूज में क्या दिक्कत है, सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है ये हम किसी प्रयोग में नहीं ला सकते, 20 mm का जो प्लास्टिक के ऊपर हो जाता है वजन उसका तो कूड़ा मिलने वाले भी कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद उसका प्लास्टिक के रूप से किसी न किसी रूप में हम लोग का फिर दोबारा साइकिल में आ जाता है। सिंगल यूज वाले कोई नहीं चिंता है, ज़्यादा से ज़्यादा गाय जो उसको खा करके मर जाती है, नहीं तो कहीं कहीं हम लोग का जो नाला नाली उस पर जा करके फंस जाती है, उसी की वजह जो मच्छर का प्रकोप है बहुत गुना वो बढ़ जाता है। ये तो ये है, और तीसरा जो बहुत खतरनाक चीज़ है रिसर्च में निकल के आया है, ताकि आप जानते हैं तो इसमें जनता को बहुत कठिनाई करना पड़ा था। पहले तो आपको याद होगा कम बचपन में जो हम लोग छोटी सी थैली लेके जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए जो भी खरीदने के लिए उसके बाद लेके आते हैं, वो आदत हम लोग भूल चुके हैं पिछले 10-15 साल से। अभी क्या है ताकि इसी वे है तो कहीं रुपये तो 10 पैसा में मिल जाता आपको जो एक पॉलीथिन के कास्ट, नहीं तो 5 पैसा में मिल जाता सस्ती वाले पॉलीथिन, वो जो सब्जी वाले लेते हैं ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग खाते रूप से तो उनसे मांगते हैं भाई दो नहीं तो तुमसे नहीं लेंगे, एक तरफ हम लोग भी तो मांगते हैं उनसे तो दो नहीं तो तुम्हारा वजह तो बड़ों के जाकर के ले लेंगे, उनको भी बेचारा उनको रोजी रोटी या मजबूरी में जाकर के कहीं से ढूंढ करके तो पॉलीथिन लेकर ले जाकर के हम लोग। इसमें देखिए कैंसर का जो है बीमारी है पिछले 10 साल से तकरीबन 4 गुना बढ़ गया, उसी के मेन वजह है कि साइकिल में कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल्स कहते हैं कैंसर क्रॉसिंग जो एजेंट है वो कहीं ना कहीं हम लोग को बॉडी के ऊपर आ गया। अब कितने भी आप यूज कर रहे हैं जो इसका चिप्स का रहे हैं जो भी चीज़ का रहे हैं पॉलीथिन में पैक होकर आ रही है, आजकल खाना भी तो पॉलीथिन में पैक होकर के मिल रहा है, आपको नहीं पता तो कितने प्रदूषण आप खा रहे हैं उसी की वजह आपका अंदर कितने असर पड़ रहा है, ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट मुझे तो एक तरफ रोचक लगा ये देखिए ये जो यूजन थ्रो कहते हैं इसको यूजन थ्रो ये हम लोग का जो रिलेशन में भी रिफ्लेक्ट होता है, खासतौर पर इस पर आलिम प्रोफेसर ने बताया सोशियोलॉजी में ये थ्रो अवे सोसाइटी, यानी जो ये फॉरेन में होता है किसी आदमी का मतलब किसी आदमी किसी चीज़ का प्रयोग करने के बाद उठा के फेंक लेते हैं, ये हम लोग का रिलेशन में भी रिफ्लेक्ट होता है, हम लोग दूसरे आदमी के ऐसे देखने लगेंगे भाई ये इसी काम का इसके बाद उनको धूप ये धीरे धीरे हम लोग के कैरेक्टर में भी बन जाता है।
लोग का जो ट्रेडिशन ऐसे नहीं था। अब याद होगा जो चीज़ हम रखते हैं तो पीढ़ी से पीढ़ी अगले पीढ़ी के देने के लिए रखते हैं, यानी प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, उसको तोहफा के रूप से ले करके देते हैं। ये हम लोग को परंपरा में नहीं है, एक बार यूज करने एक बार फेंकने के लिए। ये कहीं से 91 के बाद ओपन इकोनॉमी के चक्कर पर हम लोग का आ गया। ये दुर्भाग्य वजह हम लोग का सारे रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट होते हैं। आज से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, महात्मा गांधी जी हम लोग का देश का पिता है, पिता का जो एक लड़का है वो भी पितृपक्ष भी चल रहा है, एक तरफ संगम ले हमारा पिता का जो हम लोग जो देश के पिता का हम लोग कुछ करने चाहते हैं। कृपया करके ये शपथ का केवल भाषा में नहीं है, अपना गाइए, अपनाइए और उसके बाद और वो लोग को प्रेरित करिएगा। इससे बड़ा हम लोग का हम लोग पितृ को यानी जो हम लोग जो पूर्वजों को हम कर नहीं सकते। यही हमसे मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत।